अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम बचे हुए कपड़ों से ड्रेस बना सकते हैं 9 से 10 साल की बच्ची के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये फैब्रिक जो था वाइट वाला, तकरीबन 1 मीटर बचा हुआ था। ये मेरी जंपर मैंने सिली थी, उसमें से एक पट्टी चौड़ी बची हुई थी, 4 पार्ट जिसके हो गए, और एक ये आधा मीटर कपड़ा बचा हुआ था एक कपड़े में से, इसे भी मैंने पट्टियों में काट लिया है। और ये एक शर्ट कट की थी मैंने, जिसमें से ये सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा हुआ था, ये कटिंग बची हुई थी, तो ये कटिंग मैंने रख ली है एज इट इज़। देखिए ये एक पतला बचा हुआ है और ये वाला थोड़ा चौड़ा बचा हुआ है, तो ये मैंने योक पार्ट के लिए रख लिया है, और ये जो पतला बचा हुआ है इसमें मैं ये जोड़ डालूंगी। तो जिस हिसाब से आपके पास कपड़े बचे हुए हों आप उसी हिसाब से चौड़ी स्ट्रिप्स काट लें। बस इतना ध्यान रखें कि ये हमारी जो योक है इसके बाद जो मुझे स्ट्रिप लगानी है तो इससे ये 10 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, और फिर इससे जो हम नेक्स्ट कपड़ा लगाएंगे वो 10 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कि ये वाला। ठीक, तो मैं आपको इन्हें असेंबल करके दिखाती हूँ, फिर इससे जो नेक्स्ट लगाएंगे वो 10 इंच एक्स्ट्रा हो। तो मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ कि मैं असल में किस तरह लगाना चाह रही हूँ। तो इस तरह से इन्हें असेंबल करना है। मैं इनका कलर जो है वो चेंज करूँगी, ग्रीन वाला मैं ऊपर लूँगी और ब्लू नीचे लूँगी। तो देखते हैं किस तरह से इसे सिलना है। बस जो हमने एक्स्ट्रा रखा है वहाँ पर हमें चुंदे देनी है, वो वाइट वाले में रेड वाले को चुंदे करके, सॉरी रेड वाले में वाइट वाले की चुंदे करके लगाएंगे और ब्लू वाले की चुंदे देंगे तो वो वाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही वाइट की चुंदेंगे तो फिर वो ब्लू के बराबर हो जाएगा, फिर नीचे घेर। इसी वजह से हमने इसको ज़्यादा रखा है। तो एक ए लाइन ड्रेस इस तरह से ये बचे हुए कपड़ों में से तैयार हो जाएगी। तो मेरे पास जिस हिसाब से कपड़ा था उसी हिसाब से मैंने इस तरफ और इस तरफ एक्स्ट्रा रखा है। आपके पास जिस भी हिसाब से हो आप उसी तरह से इंचेस उसके प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ये पट्टी जोड़ ली है रेड वाली, जो कम था फैब्रिक उसमें जोड़ लिया जो टुकड़ा कम था, और अब इसको डबल करके एक के ऊपर एक रख लिया। इसमें से मैं निकालूँगी योक, तो जो जो हिस्सा हमने जोड़ा है उसको मैं ऊपर रख रही हूँ। ऊपर एक बराबर लाइन खींच लेते हैं ताकि इसकी सारी जो टेढ़ी मेढ़ा है वो निकल जाए, और अब इस लाइन के ऊपर अपना तीरा नाप कर रखेंगे। 5 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पर, 5.5 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पर। 5.5 इंच पर मैं एक लाइन बना दूँगी 5.5 इंच की ही, ठीक है। और उसके बाद अपने जो भी बॉडी का मेजरमेंट हो उसमें जो चेस्ट की नाप हो वो रख दें आप। यहाँ पर मैं 7 इंचेस ले रही हूँ, लूज रखूँगी मैं ये फ्रॉक, और यहाँ पर कमर के हिस्से पर मैं 6 इंचेस मार्क कर रही हूँ, और 6.5 इंच मैंने कमर मार्क की है। और अब निशान लगा लेते हैं आर्म होल का, और अब इसे सिलाई का मार्जिन 1 इंच का। अब इन निशानों पर मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये काट लिया है मैंने, नीचे से भी काट के बराबर कर दिया है, और अब इसके गले के लिए निशान लगा रही हूँ मैं। 2.5 इंच गले की चौड़ाई रख रही हूँ और 3 इंच गले की लंबाई रख रही हूँ, और 2.5 इंच पर फिर से लाइन बनाकर एक बॉक्स बना लेंगे, और गोल गला करके इसको ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ काटेंगे। जो जोड़ आया है कपड़े में, जो योक में जोड़ है, वो जोड़ वाला योक मैं पीछे रख रही हूँ बैक साइड में, और यहाँ पर फिर इसी तरह से ये जो हमारी कटिंग निकली है इसको रख लेंगे और निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैं 1 इंच का गला दे रही हूँ, 1.5 इंच का गला मैं यहाँ पर दे रही हूँ, 1/2 इंच जो है वो सिलाई में ऊपर चला जाएगा, और पीछे हम लगाएंगे जिप इसमें, या बटन टेक लगाएं या जिप लगाएं, जैसे भी जो भी लगाएंगे। बटन टेक के लिए ये जो
पैटिंग बची है, इसमें से दो पट्टियां निकाल लेंगे सीधी सीधी। ये देखिए ये पट्टी है पूरी, बस इसी में से निकाल लेंगे। ये देखिए ये निकल गई, दोनों पार्ट की हो गई, एक काज के लिए हो गई और एक बटन के लिए हो गई। तो ये बैक वाला योक है जिसको बीच में से कट कर लिया है, और ये जो पट्टियां हमने कट की थी इन्हें डबल करके इस तरह से और यहाँ पर लगाना है हमें एक सिलाई से, यहाँ यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको हमें इसके साथ योक के साथ जोड़ देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह किनारे पर सिलाई लगा करके इसे जोड़ देंगे यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ यहाँ पर सिलाई लगा करके पट्टियों को जोड़ लेंगे, एक इसको भी और इसको भी। सीधे उल्टे का ध्यान रखते हुए दोनों साइड ये पट्टियाँ जोड़ लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो मैं जोड़ करके दिखाती हूँ, देखें ये इस तरह से मैंने जोड़ लिया है इसमें ये पट्टी। और अब हमें क्या करना है, एक पट्टी को हमने अंदर की तरफ इस तरह पलट देना है, पूरा पूरी पट्टी पलट देंगे अंदर, और यहाँ पर एक सिलाई दे देंगे ताकि ये और ये वाली जो हमारी पट्टी होगी ये इस तरह से बंद हो जाएगी अंदर की तरफ, और ये वाली जो पट्टी होगी इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये इसके ऊपर आएगी इस तरह से, ये इसके ऊपर आएगी। तो और इसको हमें यहाँ तक इसके साथ ही सिल देना है। तो यहाँ पर ये पट्टी मैंने पलट कर और इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो पट्टी है इसको इसके ऊपर रखते हुए एक बार पहले इसको बीच में से यहाँ से सिल दें, यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दें कच्ची सिलाई या फिर पिन अप कर लें, और उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक बंद कर देंगे, और ये वाली सिलाई बीच वाली हमने बाद में उधेड़ देंगे। तो ये देखे ये नीचे वाला हिस्सा है योक का, यहाँ से हमने दबाया अपना कपड़ा और इस तरह से यहाँ पर सिलाई देने हैं। तो ये सिल गया यहाँ पर, ये बटन देख साथ अटैच हो चुका है। कंधे से की सिलाई लगा लूँगी मैं इसमें, फिर बताती हूँ। पर कंधे की सिलाई मैं लगा चुकी हूँ, और अब मैं सबसे पहले इसकी स्लीव्स में फ्रिल लगाऊँगी। तो वाइट कपड़े की पट्टी ले ली है मैंने सीधी एक, और उससे मैं इसमें छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए ये फ्रिल लगा लूँगी। यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और इसमें इस तरह से छोटे छोटे प्लीट्स दे देंगे। तो पहले मैंने 1 इंच तक इसको ऐसे ही सिल दिया क्योंकि वो सिलाई में जाने वाला है जब हम इसको बंद करेंगे। और अब मैं इसमें इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स देते हुए, सीधी पट्टी ली है मैंने, ये इस तरह से ये फ्रिल बना लूँगी इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर। यही सेम प्रोसेस हमें इसके घेर में भी करना है। तो बस इसी तरह से मैं इसकी फ्रिल लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये यहाँ पर मैंने इसमें ये आस्तीन इसकी फ्रिल लगा ली है, बस अब हम इसे नीचे से इस तरह से फोल्ड करना है, वो मैं बाद में कर लूँगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हमें फ्रिल कैसे लगानी है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि ये जो तरीका है बटन टेक लगाने का, तो जो हमने ओवरलैप कर वाली जो हमने पट्टी लगाई है, ये वाली जो हमने पट्टी लगाई है इसकी ये वाली सिलाई भी दिखती नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, लेकिन ये इजी रहता है इसलिए मैंने ये तरीका शेयर किया है। इसको जब हम लगाते हैं ये वाली पट्टी को, तो मान लीजिए यहाँ से हमें लगानी है तो हमें इस तरह से लगा दें इसको खोलकर, सिलाई लग गई उसके बाद ये वाला यहाँ पर सिलाई हमने लगा ली, उसके बाद ये वाला हिस्सा उसके ऊपर इस तरह से रख करके सिल देते हैं ताकि ये जोड़ पता ना चले, जो कि यहाँ पर ये पता चल रहा है।
मतलब ये उल्टा करने पर दिख रहा है तो वो उल्टा करने पर नहीं दिखता है, बट ये इजी रहता है और बिगनर्स लेवल का है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे शेयर किया। और मैं अक्सर इसी तरह से कर लेती हूँ लेजीनेस में। मैं इस पर सबसे पहले ये ग्रीन पट्टी अटैच कर रही हूँ, तो जिस तरह से हमने आस्तीन में फ्रिल दी है उसी तरह से ये ग्रीन पट्टी भी अटैच करेंगे। तो इसे ये देखिए, ये अगला वाला योक है और दोनों तरफ हमें लगानी है, लेकिन पहले आगे लगा करके दिखा रही हूँ मैं। और सीधा रखा है मैंने इसको, इसके ऊपर पट्टी को उल्टा रखूँगी और 1 इंच तक सीधी सिलाई दे दूँगी ऐसे ही, सिर्फ बस जितना हमने कपड़ा दबाना है ना साइड की सिलाई में उतना सिंपल सिल दे। और उसके बाद जितना भी ये कपड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा चुन देने की कोशिश करें इसमें, जबकि ये सारा कपड़ा इसमें एडजस्ट हो जाए। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो चुन ज़्यादा दे दें, और अगर कपड़ा कम है तो चुन आप कम दे दें। ये देखिए इस तरह से इसमें प्लीट्स डालेंगे, बस इस तरह से इसमें प्लीट्स डालते चले जाएंगे, कुछ नहीं है अब इसमें, पूरी फ्रॉक में इसी तरह से काम होना है। थोड़ी थोड़ा सा सिल दें और छोटी सी प्लीट डाल दें, फिर थोड़ा सा सिल दें और फिर छोटी सी प्लीट डाल दें। लेकिन प्लीट तक आकर के रुक गई मैं, अब मैं एक प्लीट बना लूँगी उसके से थोड़ी सी दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर के करीब, 1.5 सेंटीमीटर के करीब की दूरी होगी। और बस फिर दूसरी प्लीट शुरू हो गई, कोई मेजरमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस आप अंदाजे से अपना डालते चले जाएं। देखिए दूसरी प्लेट, एक प्लेट ख़त्म हुई तो मैंने मशीन रोक ली, ये देखिए यहाँ ये प्लेट ख़त्म हुई, नीडल अंदर करके मशीन रोक ली और अब फिर एक प्लेट बना दी मैंने, बस यही करना है। और यहाँ इसकी जगह पर आप बॉक्स प्लेट्स भी डाल सकते हैं इस तरह से, और छोटी 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 सी जो वो चुन्नटें होती हैं इस तरह से वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं लगा लेती हूँ। ऐसे इसमें ये फ्रिल लग गई है और अब देखती हूँ बाकी की फ्रिल्स अटैच कर लेती हूँ इसमें इसी तरह से, फिर दिखाती हूँ आपको पूरा घेर इसका कंप्लीट करके। तो इसकी सारी इसकी फ्रिल को, पहली फ्रिल को मैंने इसकी योक के साथ अटैच करके फिर एक के बाद एक सारी फ्रिल अटैच कर ली। और आप देखिए कि जो सबसे छोटी फ्रिल थी वो मैंने सबसे पहले अटैच की, फिर उसके बाद जिसकी लंबाई थी उसको अटैच किया, और फिर उसके बाद सबसे लंबी वाइट थी तो मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा, और 3 फ्रिल्स में ये फ्रॉक तैयार कर ली मैंने। और ये देखिए इसका घेर देखिए आप, कितना अच्छा घेर आया है इसका। और सारे मेरे जो कॉटन के कपड़े थे, बचे हुए टुकड़े थे, वो सब इसमें रीयूज हो गए। और एक इसमें आस्तीन की जगह पर भी मैंने ये फ्रिल लगा दी, जिससे कि शोल्डर को एक स्ट्रक्चर भी मिलेगा और नेक सिंपल इसका रखा है। तो आप भी अपने बचे पड़े टुकड़ों को इसी तरह से रीयूज कर लें, और इसका सिर्फ स्कर्ट भी बना सकते हैं इसी तरह से, बस यहाँ पर योक अटैच ना करके यहाँ पर बेल्ट अटैच कर दें तो ये एज अ स्कर्ट हो जाएगा।